बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। मेहरबान वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह। क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह। उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह। सब दिलों की। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। आज है 6th रोज़ा और आज मैं आपके साथ अपना जो इफ्तार रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ। सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपना सहरी से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, लेकिन आज हमारी सहरी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी मतलब हबड़ दबड़ में हो गई थी, क्योंकि रात भर जो है ना जोहेब ने परेशान किया था, जोहेब के कान में दुख रहा था, तो मुश्किल से जाके जो है ना 3 बजे सो गए थे। और उसके बाद जो है मैंने सोचा कि मैं 1 घंटा सो के उठ जाऊँगी, लेकिन फिर मेरी आँख 4:45 बजे खुली, तो इसलिए जो है ना मैंने गड़बड़ी में बस एक पराठा बनाकर फटाफट सहरी कर ली थी, तो इसलिए मैंने शूट भी नहीं किया। मैंने सोचा कि चलो मैं इफ्तार का शेयर कर लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है, अभी भी देखिए 6:10 है और अभी भी मुझे फटाफट इफ्तार बनाना है। आधे घंटे में अपना इफ्तार मुझे बना करके कम्प्लीट करना है, तो चलिए अभी हम फटाफट क्या बनाते हैं। थोड़ा सा मैं आज कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, उसके लिए टाइम भी लगेगा, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगी कि 30 मिनट में मेरा इफ्तार प्रिपेयर हो जाए। और अभी हस्बैंड जो है ना आके गए हैं बाहर किसी काम से, तो उन्होंने कहा कि इफ्तार वो यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसलिए अभी हम लोग हैं और बच्चे हैं और कोई नहीं है, तो हम अभी इफ्तार अपने लिए ही बनाएंगे। और चलिए अभी फटाफट हम बना लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो चने हैं इनको कुकर में सीटी लगा लेते हैं। इसको मैंने 4-5 घंटे पहले ही भिगो कर रखा है ताकि जल्दी से बॉईल हो जाएं। अदरवाइज़ अगर हम डायरेक्ट लगा देते हैं ना कुकर में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो ना सॉफ़्ट बनते नहीं हैं, गल तो जाते हैं लेकिन सॉफ़्ट नहीं बनते हैं। तो सॉफ़्ट बनाने के लिए आपको पहले इसको अच्छे से भिगो कर रखना होता है। तो यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ी एंड क्रिस्पी लॉलीपॉप। उसके लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन लिया है, थोड़ी सी मुट्ठी भर कोतमीर ली है, 2 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने कट करके डाला है, आप चाहे तो कूट कर भी डाल सकते हैं, और आधा मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का प्याज लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम पहले ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और मैंने आपको पहले ही बताया है कि कोई तैयारी नहीं है, तो अभी साथ ही साथ जो है ना मैं सारे मसाले निकाल कर डाल भी रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम भी लग रहा है यहाँ पर। तो हाफ जो है ना मैंने लेमन इसमें स्क्वीज़ कर दिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मुझे यहाँ पर कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा सा डाल दिया है। रेड चिली पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मैंने पहले ग्रीन चिली भी डाला था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम डाला है। ब्लैक पेपर डाल देंगे और 2 यहाँ पर जो है मैं ब्रेड के स्लाइसेस डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स हैं तो आप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रेड के साइड्स वगैरह रखे हुए हैं तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास फ्रेश ब्रेड था तो मैंने यूज़ कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आपके पास अगर चॉपर है तो आप चॉपर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो है मिक्सर में ग्राइंड करके ही बनाती हूँ, तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। बहुत कम टाइम में जो है ना ये अच्छे से पिस करके रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसके हम लॉलीपॉप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो स्टिक्स होती है ना, जो आइसक्रीम स्टिक्स होती है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने इस तरह से जो चीज़ है वो लगा दिया, और चीज़ को मैंने पहले ही बाहर निकाल कर नहीं रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये कड़क हो रहा है। अगर चीज़ सॉफ़्ट होता है ना पहले से, अगर आप उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हो तो ये जल्दी से ना स्टिक के ऊपर लग जाता है। तो यहाँ पर जो हमने चिकन का मिक्सचर बनाया है इसको हम इस तरह से जिस तरह से लॉलीपॉप का शेप होता है लॉलीपॉप का शेप दे देना है। उसके बाद मैं इस तरह से ना इसको फ्लैट कर रही हूँ, इससे फ्राई करने में आसानी होगी और ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगेगा। और ये जो मिक्सचर है आप इसको 2-in-1 यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो इसके कटलेट भी बना सकते हैं। अगर आपके पास में स्टिक नहीं है तो आप विदाउट स्टिक के बीच में जो है ना चीज़ रख करके बॉल बना के इसको फ्लैट करके फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे बनाना था लॉलीपॉप, तो मैंने इसको ये देखिए लॉलीपॉप का शेप दे दिया है। तो चलिए इसी तरह से जो है ना हम सारे बना लेते हैं। और अगर आप चीज़ को स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो इसको आप एक मरतबा इफ्तार में ट्राई ज़रूर करें, तो आपके बच्चे आपके घर वाले आपको ये बोलेंगे कि मम्मा रोज़ बना कर दो। तो यहाँ पर मैंने दूध को अंडे में फेंट लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया था। अब पहले हम अंडे की कोटिंग करेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ जो ओट्स थे उसमें थोड़ा सा मैंने आटा मिक्स कर लिया था, उसको हमने एज जो है ना कोटिंग यूज़ कर लिया है। इससे जो है ना हमारे जो लॉलीपॉप है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छे से आएगा। जिस तरह से बाहर के होते हैं ना उस तरह का इसमें टेक्स्चर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा। तो चलिए इसी तरह से जो है ना सारे लॉलीपॉप को हम लो मीडियम फ्लेम पर करके फ्राई कर लेंगे, मीडियम फ्लेम पर करके फ्राई कर लेंगे।
और जब भी आप कभी इस तरह से चिकन वगैरह फ्राई करो ना, तो थोड़ा सा ऑयल कम लें, क्योंकि ये ऑयल ना बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, तो इसलिए कम ऑयल का यूज़ करें। इसलिए मैंने यहाँ पर कम ऑयल ही डाला है, क्योंकि मुझे पता था कि ये ऑयल जो है ब्लैक हो जाएगा, तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर का ऑयल रीयूज़ कर सकते हैं, बाकी नीचे जो है ना ब्लैक ब्लैक रह जाता है। और मैं यहाँ पर सोच रही थी कि मैं पकौड़ी भी बना लेती हूँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने पकौड़ी नहीं बनाया है। यहाँ पर हमारे जो चने हैं वो बॉयल हो गए थे, तो इसमें मैंने प्याज, टमाटर और अमचूर पाउडर, चना सॉरी चाट मसाला पाउडर, और जो हमारा हिमालयन सॉल्ट होता है, पिंक हिमालयन सॉल्ट, वो मैंने डाला है, और ऊपर से लेमन जूस स्क्वीज़ कर दिया है, और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था। और अभी मैं यहाँ पर फटाफट इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ, फ्रूट्स वगैरह कट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब मुझे टाइम से सारी चीज़ें करना है। एटलीस्ट 10 मिनट जो है ना बैठ कर हम दुआ पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि 10 मिनट पहले ही जो है ना सारी चीज़ों से हम फारिग हो जाएँ। तो मैंने हिमाद को बोल दिया है कि पानी वगैरह ले लेना, और जो हमारे दस्तर वगैरह है वो बिछा देना, तो मैं यहाँ पर सारी जो चीज़ें बनी हुई है वो लाकर रख दूंगी। लेकिन हिमाद मेरी यहाँ हेल्प भी कर रहे हैं, उन्होंने अभी चटाई भी बिछाई है, दस्तर भी बिछाया है, और अभी मुझे बोल रहे हैं कि लो मम्मा सामान, मैं सारा रख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इनको यही दे रही हूँ कि ये लेकर जाकर रखूँ। क्या बोलो 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 जल्दी बोलो इधर जो क्या चक्की कहाँ जाना कहाँ यहाँ जा पहले तू मेरे कान में बोल के जाओ चॉकलेट नहीं नहीं मेरे कान में बोल के जाओ मेरे कान में बोल हाँ बेटा तो हाँ बोलो हिमांश की कॉपी कर रहे हैं हिमांश जोहेब को भी लेके जाओ जोहेब को भी लेके जाओ जोहेब की पैंट चेंज करो हाँ जोहेब को लेके जाओ जोहेब की पैंट चेंज करो थोड़ा सा जोहेब को मुंह धुलाओ देखो पूरा फैंटा मुंह पे लगा के लिए पूरा फेस ऑरेंज ऑरेंज हो रहा चलो चलिए नमाज हो गई है थोड़े से अभी काम है वो करना है आज बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गई है शहरी में भी गड़बड़ी इफ्तार में भी गड़बड़ी तो अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी किचन मेरा ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है सारा समेटूँगी और थोड़ी सी चाय पीऊँगी शहरी में मैंने चाय नहीं पी है और रमज़ान में जो है ना मेरा ज़्यादा चाय पीने का मन नहीं होता है तो मैं चाय रमज़ान में बहुत कम पीती हूँ तो अभी थोड़ी सी चाय बनाकर मैं पीऊँगी और किस किस को ऐसे होता है रमज़ान में चाय कम पी जाती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से पूछा था कि रोज़े के बाद जो है ना देखिए अभी दोनों चले गए रोज़े के बाद किस किस के हाथ से काम नहीं होता है कमेंट करें तो बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए कि उनके हाथ से भी काम नहीं होते हैं तो ऐसे लगता है मतलब मुझे ऐसे लगता है कि सब औरतें जो है ना सेम ही होती हैं और अभी जोहेब और हिमांत गए हैं बाहर खेलने के लिए क्योंकि सुबह से लोग गए नहीं हैं क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही ना तो इसलिए बच्चों को भेज नहीं रही हूँ और कुछ नहीं और माशाल्लाह से जो है ना लेकिन रोज़े बहुत अच्छे से जा रहे हैं पहले मतलब जब स्टार्ट हुए थे ना तब ऐसे लग रहा था शायद से बहुत कड़क जाएंगे रमज़ान शुरू होने से पहले ऐसे फील हो रहा था अप्रैल का महीना है बहुत कड़क रोज़े होंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे स्मूथ चल रहे हैं आज देखिए छठा रोज़ा है और बहुत फास्ट भी जा रहे हैं ना पहला रोज़ा कब चला गया अभी छठा रोज़ा आ गया है मतलब ऐसे फील ही नहीं हो रहा है कि आज छठा रोज़ा है 6 दिन से हम रोज़े रख रहे हैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोगों के कैसे जा रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं लेकिन जो लोग वर्किंग है और जो स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है हम लोग तो घर में बैठते ना तो हम लोगों को थोड़ा सा ईजी लगता है तो खैर चलिए अल्लाह सबको जो है ना रोज़े रखने की तौफीक दे हिम्मत भी दे तो चलिए फटाफट मैं थोड़ी सी चाय बनाकर पीती हूँ फटाफट नहीं थोड़ा यहाँ का जो पड़ा हुआ है वो समेटूंगी उसके बाद मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी और मैंने अभी तक डिनर बनाया नहीं है सोच रही हूँ कि आज मैं क्या बनाऊँ क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है थोड़ी सी मैं बस रोटी बना लूँगी और थोड़ी सी एक आध सब्ज़ी और बना लूँगी तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है आज तो देखते हैं क्या बनता है तो चलिए चलते हैं
तो अभी चाय मैंने पी ली है और मैं भी जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह में कपड़े लगाए नहीं थे। चलिए मशीन में कपड़े लगाती हूँ मैं। और ज़्यादा हो जाएंगे कपड़े, बहुत सारे मैंने धोए थे, वैसे कम धोते हैं। सुबह में एक और मरतबा लगाऊंगी तो हो जाएंगे, ज़्यादा लग रही मुझे। स्टार्ट हो गई मशीन तो चलिए मैं जाऊँगी थोड़ा सा, मैं सालन बनाऊँगी आज। मैं ना जो ड्रम स्टिक होती है ना उसका मैं सालन बना रही हूँ, क्योंकि हिमाद को खाना था, दो तीन दिन से हिमाद बोल रहे थे, तो कल मैं लेकर आ गई थी। तो बस मैं उसी का सालन बनाऊँगी और थोड़े से चावल बना लूँगी उसके बाद ईशा का टाइम हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और अभी तक हम लोगों का खाना नहीं हुआ है, अभी जस्ट मेरी नमाज़ कंप्लीट हुई है। तो चलिए भी हम लोग खा लेते हैं खाना, और यहाँ की मैंने सारी सफाई कर ली है, पोछा वगैरह लगा लिया है, क्योंकि जोहेब और हिमाद ने ना बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। हिमाद ने क्या किया था कि जो दूध का पैकेट था ना उसको उन्होंने सुराख कर दिया था, और पूरा दूध जो है उन्होंने किचन में फेंक दिया था, जिसकी वजह से मुझे और सफाई करना पड़ा। क्या है ये, क्या लाए बाबू? हाँ है क्या? तो अभी हस्बैंड कुछ लेके आए हैं, देखते हैं क्या लाए हैं। ओहो पानी रोस्ट लाए हैं, एक एक पीस ही कितना बड़ा है काड़ी गोश्त का बाबू ये तो ठंडा हो गया, लेकिन हाँ ठंडा हो गया है, ओवन में गरम करते। और इसमें क्या है, ये क्या सरप्राइज है क्या? देख लो देख लो, जोहेब को ना ये है डबल का मीठा। मैं हस्बैंड से ना हलवा पराठा मंगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने ये हुआ कि मंगा लूँगी और उसके बाद खाने का दिल नहीं करेगा तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने उनको कॉल नहीं किया था। लेकिन वो खुद ही मीठा लेके आए हैं, थोड़ा सा मैं टेस्ट कर लूँगी। आजकल मेरा ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मैं मीठा कम ही खा रही हूँ, चाय भी कम ही पी रही हूँ तो चलिए फिर मैं आज के लोग को यहीं पर एंड करती हूँ। और इन लोगों की बात, इनकी आवाज़ें आ रही है, मेरे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है मेरे वीडियो में जोहेब की मस्ती चल रही है उनके पापा के साथ में। तो चलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो अभी हम लोग खाना खा लेते हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।